तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द नदो वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकटॉक के इस ट्रेंड के बारे में। ठीक है, किस तरीके से वीडियो क्रिएट की जाती है, अक्सर यूज़र्स को जो है नहीं पता चलता कि इस तरीके की वीडियो किस तरीके से बनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपनी वीडियो में शेक इफेक्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो गाइज यहां पर जो आपको इसके लिए एक ऐप की जरूरत पड़ती है जिसका नेम है कैपकट। ठीक है गाइज, ये ऐप जो है आपको इजिली प्ले स्टोर से मिल जाती है, वहां से जाके आपने इसको इजिली डाउनलोड कर लेना है। तो उसके बाद गाइज यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से आपने वो वाली वीडियो उठा लेनी है जिसके यानी कि शुरू में वही वाला क्लिप ऐड होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जो है इस वीडियो के ऊपर वही वाला क्लिप ऐड है, तो अभी यानी कि मैं इस वीडियो के यहाँ से उठा लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है मैं आपको वीडियो भी प्ले कर दिखा देता हूँ कि किस टाइप की वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो के जो है फर्स्ट में यानी कि वही वाला क्लिप यहाँ पर ऐड है। तो गाइज अभी जो है यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर जो है अभी आगे की तरफ जो है किसी और की वीडियो यहाँ पर ऐड है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो है किस तरीके से इस क्लिप से आगे वाला जो पार्ट में है अपनी वीडियो को किस तरीके से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो क्लिप का फर्स्ट वाला हिस्सा है तो आपने जो है इसको इस तरीके से यानी कि इतना ट्रिम कर लेना है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको एडजस्ट करने के बाद तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, स्प्लिट करने से क्या होगा, आपके यानी कि वीडियो के टू पार्ट बन जाएंगे। जो आपकी वीडियो का अगला वाला पार्ट होगा तो आपने जो है गाइज इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से गाइज आपने जो है इस डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से क्या होगा कि वीडियो का जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो जो है यहाँ से हो जाएगा डिलीट। तो अब यहाँ पर आपने जो है अपनी वीडियो का क्लिप किस तरीके से ऐड करना है, तो यहाँ पर आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से आपने अपनी वो वाली वीडियो उठा लेनी है जो यहाँ पर जो है इस पार्ट से अगले वाले पार्ट में आप जो है अपनी वीडियो को ऐड करना चाहते हो। तो इसको इस तरीके से गाइज यहाँ से उठाने के बाद यहाँ से जो है आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, जहाँ पर यानी कि आपको अपनी वीडियो का पार्ट अच्छा लगता है वहाँ तक जो है आप अपनी इस वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपनी वीडियो को जो है यहाँ से यानी कि यहाँ से लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब यानी कि आपकी वीडियो का जो पिछले वाला हिस्सा होगा तो आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो इस तरीके से यानी कि आप जो अपनी फेवरेट का भी जो है वीडियो का पार्ट इसी वीडियो के साथ अटैच कर सकते हो। तो अब जो है यहाँ से मैं आपको वीडियो भी प्ले कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइज, अब जो है हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से प्ले होगी। यहाँ पर जो अभी अब हमारी वीडियो जो है कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पर जो है गाइज वीडियो को और भी अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो अपनी वीडियो के अंदर किस तरीके से शेक इफेक्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने जो है किस तरीके से म्यूज़िक ऐड करना है यहाँ पर अपनी वीडियो पर। तो यहाँ पर आपने ऐड ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्टेड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने वो वाली वीडियो उठा लेनी है जिसके ऊपर यानी कि आपका फेवरेट कोई भी म्यूज़िक लगा हुआ है। तो उसको उठाने के बाद यहाँ से देखे गाइज इस तरीके से यानी कि आप अपनी इस वीडियो के ऊपर अपना फेवरेट म्यूज़िक भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर गाइज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप किस तरीके से अपनी वीडियो के ऊपर शेक इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइज देखें, यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इनके ऊपर क्लिक करना है। तो इनके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर देखें आपको काफ़ी सारे शेक इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि आपकी वीडियो को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला शेक इफेक्ट ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर आपने गैप रखना है और यहाँ पर फिर से आपने जो है इसी तरीके से इन पर जाना है। और यहाँ से यानी कि काफ़ी आपको अच्छे अच्छे शेक इफेक्ट मिल जाते हैं जो कि आप देखते भी होंगे, बड़े बड़े टिकटॉक और यूज़र यूज़ करते हैं इसको। तो इस तरीके से जो है आप इसका ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो। तो अब जो है यहाँ पर मैं आपको वीडियो भी बड़ी कर यानी कि प्ले कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें गाइज, अब जो है हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें गाइज, शेक इफेक्ट जो है हमारी वीडियो पर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और हमारी वीडियो भी जो है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो अभी जो है यहाँ पर मैं म्यूज़िक भी प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि इससे जो है हमें यूट्यूब पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का खतरा रहता है। तो अगर म्यूज़िक लगा होता तो और भी अच्छी हो जाती वीडियो। तो अब यहाँ पर गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है वीडियो किस तरीके से गैलरी में सेव करना है। तो इस एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज एक्सपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जो है गाइज ये वीडियो आपकी गैलरी में हो जाती है इजीली सेव। तो गाइज अगर आपके वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइज मिलते हैं फिर अगली और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।